दोस्तों ये जो बाइक है ये स्टार्ट नहीं हो रही और मैं दो मरतबा पहले ये धोखा खा चुका हूँ। फिर मुझे किसी एक सियाने ने बताया कि इस बाइक में एक ऑटो सिस्टम है, वो ये है कि आप जब तक ये वाला जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड, इसको जब तक आप फोल्ड नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। मैंने पहले स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं हुई। अब आप ज़रा मेरे करीब आएँ, अब आप ये देखें कि ये बटन में दोबारा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। अब मैंने ये स्टैंड कर दिया फोल्ड, ये स्टैंड फोल्ड किया, ये स्टार्ट हो गई। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। मैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड पे गया तो 11 बजे उसके बंद होने का टाइम था और 11 बजे से यानी एक दो मिनट भी हम लेट हुए तो उन्होंने हमें सर्विस देने से इनकार कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में जब अगर कोई स्टोर बंद हो रहा हो और हम जाएँ तो वो हमें इनकार करते हैं, लेकिन हम कोशिश करके किसी तरह से फिर घुस जाते हैं। क्यों ना थाईलैंड वाला कुलिया हो, यानी सिस्टम ही पीछे से बंद हो जाए, यानी इसी तरह पाकिस्तानियों को हम इस तरह से भी सिखा और पढ़ा सकते हैं। कई जगह पे आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ती तो ये ज़बरदस्ती ऑटोमेटिक हो सकती है, यानी स्टैंड जब तक फोल्ड नहीं किया तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। इस तरह बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, सीट बेल्ट से ले कर बाकी चीज़ें जो आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कानून को फॉलो भी करें, काम भी हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी ना करनी पड़े। ये दो छोटी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ बताना इसलिए ज़रूरी समझा ताकि इससे हम कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया।